हेलो दोस्तों, जीवों के विभिन्न स्थानों के रहने के आधार पर उन्हें तीन भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है जलचर और दूसरा है थलचर और तीसरा है उभयचर। तो आइए जानते हैं कि जलचर और थलचर उभयचर क्या होता है। जो जीव जल में आकर निवास करते हैं उन्हें जलचर बोलते हैं, और जो जीव अथान पर मतलब पृथ्वी पर सूखे स्थान पर आकर निवास करते हैं उन्हें थलचर बोलते हैं, और जो जल में और अथान पर सूखे स्थान पर दोनों में रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। जलचर के अंतर्गत आने वाले जीव मछलियाँ हैं और मगरमच्छ हैं और कीट हैं और अन्य जीव हैं। थलचर के अंतर्गत आने वाले जीव ये हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, गाय और भैंस, ऐसे सभी जानवर जमीन पर रहते हैं, तथा कछुआ, मेंढक, कुछ अन्य जीव ये उभयचर के जीव कहलाते हैं।